नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, खाकी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी है नागौर से, खाकी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। हिमसर SHO और कांस्टेबल का एक वीडियो वायरल हुआ है और दोनों के बीच समलैंगिक संबंधों का यह वीडियो बताया जा रहा है और इसको लेकर के कांस्टेबल ब्लैकमेल कर रहा था और लगातार पैसे भी वसूले गए हैं। तो कई दिनों से SHO को ब्लैकमेल किया जा रहा था, 2.5 लाख रुपए आपको बता दें कि इस वीडियो के चलते अब तक ब्लैकमेल करके वसूले गए हैं। SHO ने हिमसर थाने में इसको लेकर के अब एक केस भी दर्ज करवा दिया है। तो SHO ने कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, लेकिन खाकी शर्मसार होती हुई नजर आई है। नागौर के SP राममूर्ति जोशी के पास तक ये पूरा मामला पहुंचा है और अब इस पूरे मामले में जांच की बात कही गई है। 8 महीने से आपको बता दें कि अश्लील वीडियो का मामला है, न्यूड वीडियो के बेस पर ये चैट होती थी। कांस्टेबल ने SHO का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और ये पूरा मामला अब पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंचा है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। थाना अधिकारी ठेऊ सर ने कल मेरे समक्ष उपस्थित होकर एक ब्लैकमेल की रिपोर्ट दी थी कि उसको एक लेगाना थाने का कांस्टेबल किसी वीडियो चैट को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। तो उसके संदर्भ में ठेऊ सर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे की तफ्तीश वृत्ताधिकारी नागौर द्वारा की जा रही है। इसी तफ्तीश के सिलसिले में कल साय कांस्टेबल को प्रथम दृष्टया जुर्म प्रमाणित होने पर गिरफ्तार किया गया है और उससे इस प्रकरण में अनुसंधान जारी है। इसके समानांतर विभागीय तौर पर विभागीय कार्यवाही करते हुए, चूंकि इसमें दोनों ही पुलिस कार्मिकों के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है जिससे आमजन में पुलिस की छवि और विश्वसनीयता को प्रश्न चिन्ह लगता है, उसको क्षति हुई है, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत दोनों पुलिस कार्मिकों को निलंबित करके विभागीय जांच भी शुरू की। तो कई दिनों से आपको बता दें कि इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी और ब्लैकमेल किया गया है, 2.5 लाख रुपए की इसमें वसूली हुई है और अब पुलिस के संज्ञान में चुकी ये मामला है, इसलिए अब इसमें आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। SHO कांस्टेबल का ये वीडियो बताया जा रहा है जो कि वायरल हुआ और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का भी मामला इसके साथ जुड़ता हुआ सामने आया। ये नागौर के SP राममूर्ति जोशी के पास तक भी मामला पहुंचा और उसके बाद SP ने अब इस पूरे मामले में कांस्टेबल और SHO को सस्पेंड कर दिया है और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच भी अभी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी है, SHO और कांस्टेबल का वीडियो वायरल हुआ, इसमें ब्लैकमेलिंग का भी एंगल है और इसलिए ये मामला SP नागौर तक पहुंचने के बाद अब SP की तरफ से दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया है और SHO की तरफ से चूंकि कांस्टेबल के खिलाफ मामला है, इसलिए दोनों ही घटना को लेकर के जो विवेचना है वो पुलिस के द्वारा जारी है। तो बड़ी जानकारी है, खाकी शर्मसार हुई है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अश्लील वीडियो का ये पूरा मामला है और इसी के आधार पर कांस्टेबल SHO को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, 2.5 लाख रुपए ब्लैकमेल करके वसूले गए और पिछले 8 महीने से आपको बता दें कि ये वीडियो का जो खेल है वो लगातार जारी था, लेकिन आखिर में अब इसको लेकर के मामला दर्ज करवाया गया है हिमसर SHO के द्वारा और उसके बाद ये मामला SP नागौर तक भी पहुंचा और इसके बाद SP नागौर ने इस पूरे मामले में इन दोनों को ही सस्पेंड कर दिया है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में शुरू की है। तो इस पूरे घटना की जांच हो रही है, इसके तमाम तथ्यों पर अभी फिलहाल पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल जारी है। तो इसके ग्राफिक्स भी आपको बता देते हैं कि हिमसर SHO और कांस्टेबल का एक वीडियो जो कि वायरल हुआ और नागौर में खाकी कैसे एक बार शर्मसार हुई है फिर से, ये आपको और विस्तार से समझा देते हैं। दोनों के बीच में आपको बता दें कि समलैंगिक संबंधों का एक ये वीडियो है जो कि वायरल हो रहा था और इसी वीडियो के दम पर कांस्टेबल लगातार SHO को ब्लैकमेल कर रहा था और ब्लैकमेलिंग के चलते 2.5 लाख रुपए भी SHO से वसूले गए कांस्टेबल के द्वारा। कई दिनों से SHO को लगातार ये ब्लैकमेल किया जा रहा था, 2.5 लाख रुपए की वसूली इस पूरे प्रकरण में अब तक हो चुकी है और इसके बाद ये जो मामला है SHO ने खिमसर थाने में इसको लेकर के दर्ज करवाया कि ब्लैकमेलिंग हो रही है अश्लील वीडियो के नाम पर और SHO ने खिमसर थाने में इसको लेकर के मामला दर्ज करवा दिया। कांस्टेबल के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया और ये मामला इसके बाद नागौर के SP के पास तक पहुंचा और नागौर के SP ने फिर दोनों को सस्पेंड कर दिया है और अब इस पूरे मामले में आगे की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। तो नागौर में खाकी शर्मसार हुई है, SP ने SHO और कांस्टेबल दोनों को सस्पेंड किया है क्योंकि
विभाग में भी ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और इसलिए पुलिस के ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे थे। 8 महीने से चूंकि ये पूरा वीडियो का जो खेल है वो चल रहा था और इसलिए नागौर SP ने भी इसमें ये बड़ी कार्रवाई की है। न्यूड वीडियो के बेस पर वीडियो कॉल पर चैट की जा रही थी और कार्रवाई इसमें नागौर SP की तरफ से की गई है। SHO का वीडियो भी आपको बता दें कि इसी न्यूड वीडियो चैट के दौरान का रिकॉर्ड किया हुआ बताया गया है और इसी को लेकर के ब्लैकमेल कांस्टेबल SHO को कर रहा था। पूरा मामला PHQ यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंचा है और पूरे महकमे में बड़ी चर्चा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हो रही है।